गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का लेक्चर नंबर 24 लेके, जिसमें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही दिलचस्प डेमो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड स्टोरेज के ऊपर हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। डायनामिक यहां पर नहीं की जा सकती, स्टैटिक वेबसाइट पूरी की पूरी होस्ट की जा सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिमिट तक 5 GB का, क्योंकि आपको स्टोरेज फ्री मिलता है। और जो डेमो मैं करके दिखाऊंगा तो वो तो हार्डली कुछ MBs की फाइल है। तो यहां पर आप इजीली फ्री में अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो बहुत ही दिलचस्प डेमो होने वाला है, ज्यादा लंबा डेमो नहीं है और मजेदार डेमो है। यहां पर मैंने कुछ उसकी लैब की गाइड भी लिख दी है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये समझाना चाहता हूं कि आखिर ये हम क्या करने वाले हैं। तो आप जरा समझें कि मैं अपने गूगल क्लाउड के अंदर, आपको पता है हमारी क्लाउड स्टोरेज के अभी टॉपिक्स चल रहे हैं, तो यहां पर जो मैं बकेट बनाता हूं, इस बकेट के अंदर मैं अपनी पूरी एक सैंपल वेबसाइट का जितना भी कोड है वो सारा कोड मैं यहां पर डाल दूंगा। इस बकेट के अंदर मेरे पास मल्टीपल आप कह सकते हैं फाइल होंगी, सैंपल कोड होंगे। एक मैं टेम्पलेट वेबसाइट से उठाऊंगा, उसका लिंक और उस वेबसाइट के बारे में सब कुछ मैं डेमो में आपको दिखाऊंगा। आपको एज इट इज फॉलो करना है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस कोड को हम पहले अपने क्लाउड शेल के थ्रू उसे अपने लोकल मशीन पे लेंगे, क्लाउड शेल पे लेंगे, और उसके बाद उसे कॉपी कर देंगे इस बकेट के अंदर। इस बकेट में कॉपी करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली उस बकेट के जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो कोड यहां पर हुआ है उसकी कुछ फाइलें होंगी, जैसे कि index.html नाम की फाइल होगी और मल्टीपल फाइल्स होंगी, उनको आपको पब्लिक बनाना है। पब्लिक क्यों बनाना है? पब्लिक इसलिए बनाना है ताकि जैसे ही हम उसको एक्सेस करें इंटरनेट के ऊपर, हमें वो सैंपल पेज हमारा वेबसाइट का नजर आए। पूरी एक वेबसाइट वेबसाइट आपको नजर आएगी, उसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे सारे वर्क कर रहे होंगे। बहुत इजी है स्टोरेज के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करना। फिलहाल हम इस डेमो के अंदर जो डोमेन इस्तेमाल करेंगे वो गूगल क्लाउड जो हमें डिफॉल्ट डोमेन देगा, एक स्टोरेज का जो लिंक देगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मैं तो अपनी वेबसाइट www.technicalguftagu.in इस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहता हूं, और मैं तो ये कि कोई मेरे इस डोमेन को सर्च करे तो मेरी ये वेबसाइट का कंटेंट नजर आए, वो भी आप कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील। बाद में बस आपने उस डोमेन के जो DNS सर्वर है, जहां पर भी आपने जहां से भी डोमेन लिया है वहां पे जाके आपको एक रिकॉर्ड सेट ऐड करना पड़ेगा, CNAME रिकॉर्ड, तो वो आप ऐड कर दोगे तो वो काम भी हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। बट अभी मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि हर किसी के पास डोमेन नहीं होगा, आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको इन्हीं के खुद के जो लिंक है, जो इनका खुद का डोमेन है, वर्किंग डोमेन है, उसके थ्रू आपको इसे एक्सेस करके दिखाऊंगा। कोई मसले वाली बात नहीं, और दिलचस्प लैब है ये, कहीं नहीं कराई जाती जनरली। अब हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैब में कई बार एग्जाम में भी इससे रिलेटेड छोटा मोटा एक सवाल आ जाता है, लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसको अवॉइड किया जाता है कि चलो छोड़ो, टॉपिक्स तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी सीरीज के अंदर उन सारे टॉपिक्स को भी लेकर आऊं जो जनरली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डिस्कस नहीं किए जाते, लेकिन बहुत दिलचस्प है और इंटरव्यू में भी आते हैं। तो यहां पर मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लैब के स्टेप्स लिख दिए हैं, और बस ये स्टेप्स फॉलो करके ही आप 100% सक्सेसफुल लैब कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने GCP अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक बकेट बना ले, बकेट का कुछ भी नाम दे दे, जैसे मेरे केस में मैंने बकेट 5543 नाम दे दिया है। उसके बाद आप क्लाउड शेल में आए। क्लाउड शेल में आने के बाद मैं एक वेबसाइट आपको वहां ओपन करके दिखाऊंगा इंटरनेट पे, कि वो एक HTML5 टेम्पलेट्स करके एक वेबसाइट है .co.uk, वो जो वेबसाइट है उस पर एक कोई भी सैंपल हम ले लेंगे, कोई भी सैंपल हमारा टेम्पलेट जो है उसका हम एक लिंक ले लेंगे, डाउनलोडेबल लिंक ले लेंगे, और यहां पे wget कमांड आपने चलानी है। wget से क्या होगा कि वो लिंक जो है वो यहां पे उसके थ्रू ये फाइल जो है हमारी टेम्पलेट फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। सो wget, उसके बाद आपने लिंक को पेस्ट करना है। लिंक को पेस्ट करने के बाद वो डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए आप ls कमांड का इस्तेमाल करेंगे। आप इस कमांड के थ्रू देखेंगे तो आपको एक zip फाइल नजर आएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके की zip फाइल आपको नजर आएगी कि ये एक मेरी डाउनलोड हो गई है। लेकिन ये zip फाइल है, आपको इसे अनजिप भी करना पड़ेगा। अनजिप करने से पहले मैं एक काम करता हूं, इस पूरे काम को जो भी मैं करने वाला हूं इसको अनजिप करूंगा तो बहुत सारी फाइलें इसके अंदर होंगी, तो उसको मैं एक फोल्डर में रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूं यहां पे वेबसाइट के नाम से। दिस इज नथिंग बट अ फोल्डर, एक फोल्डर
जिसके अंदर मैं इस फाइल को अनजिप करूंगा, इसके अंदर ले जाके अनजिप करूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एमवी कमांड चलाऊंगा, मूव कर रहा हूं। क्या मूव कर रहा हूं, ये जो मेरी फाइल है सैंपल स्टाइल बैनर डॉट जिप वाली, इसको मैं मूव करना चाहता हूं अपने इस फोल्डर के अंदर। तो कमांड क्या चलानी पड़ेगी, एमवी, उसके बाद जिस फाइल को भी आप मूव करना चाहते हैं उसको लिखिए, उसके बाद उस फोल्डर का नाम लिखिए, यानी कि डायरेक्टरी कहते हैं यहाँ पे हमारे केस में, तो उस डायरेक्टरी का नाम लिखिए जिसके अंदर आप उसे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट लिखूंगा, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये जो कंटेंट है ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अब मैं इसके अंदर जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी कमांड चलाऊंगा, सीडी कमांड, और इसके बाद मैं लिखूंगा सीडी स्पेस वेबसाइट फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही मैं लिखूंगा मैं वेबसाइट के अंदर आ जाऊंगा, इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी zip फाइल है इसको अनजिप करना है। तो मैं यहां पे कमांड चलाऊंगा अनजिप, उसके बाद इस फाइल का नाम लिखूंगा पूरे का पूरा सैंपल स्टाइल बैनर डॉट जिप। ये लिखने के बाद जैसे ही मैं करूंगा मेरी फाइल अनजिप हो जाएगी। कैसे पता चलेगा, आप जैसे ही ls करेंगे, ls करने पे आपको बहुत सारी फाइलें नजर आएंगी, ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने कमांड चलानी है gs util, उसके बाद स्पेस एम स्पेस देके हाइफन एम लिखना है, जो कि मल्टी थ्रेडिंग के लिए आप ये कह लें कि अगर बहुत सारी फाइलें हैं इस zip फाइल के अंदर, बहुत सारी फाइल्स थी, तो उन सारी फाइल्स को मैं अब कॉपी करना चाहता हूं कहां पे, अपनी बकेट के अंदर। मैं चाहता हूं कि वो सारी की सारी फाइलें अब मेरी बकेट में आ जाए, तो मैं कमांड चलाऊंगा gs util हाइफन एम, यानी कि जितनी फाइलें हैं मल्टीपल फाइल्स हैं उनको मैं मूव कर सकूं। सीपी कमांड होती है कॉपी के लिए, हाइफन आर होता है रिकर्सिव, यानी कि रेगुलर एक के बाद एक काम कर सके। सैंपल स्टाइल अंडरस्कोर बैनर, यानी कि किस फाइल को मैंने मूव करना है या कॉपी करना है। दिस इज माय सोर्स एंड दिस इज माय डेस्टिनेशन, तो मैं कहां पे उसको कॉपी करना चाहता हूं ये मैंने बता दिया। मैंने कहा कि मेरी बकेट के अंदर मुझे कॉपी करना है इस कंटेंट को। जैसे ये कमांड आप चलाएंगे आपका कंटेंट आपकी बकेट में कॉपी हो जाएगा। मैं कंसोल में जाके दिखाऊंगा आपको कि कंटेंट कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अभी सारे का सारा कंटेंट जो है वो प्राइवेट होगा, यानी कि नॉट पब्लिक उसके आगे लिखा हुआ होगा। ऐसे केस में आप अगर index.html की फाइल को क्रोम में ओपन करेंगे तो एक कंटेंट तो नजर आएगा बट प्रॉपर नजर नहीं आएगा, जैसी हमारी सैंपल वेबसाइट हमें दिखनी चाहिए। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले हम कंसोल में जाएंगे, कंसोल में जाके बकेट में जाएंगे, बकेट में जाके उस फोल्डर में जाएंगे जो हमें मिला है, वो फोल्डर इस नाम से ही होगा क्योंकि यही फोल्डर है बेसिकली हमारा। इसके अंदर आपको मल्टीपल फाइल दिखेंगी, तो सारी फाइलों को आप सिलेक्ट कर लें, टिक कर दें सबके ऊपर। टिक करने के बाद परमिशन का ऑप्शन ऊपर आपको नजर आएगा, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको परमिशन का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऐड का ऑप्शन नजर आएगा। ऐड पे क्लिक करिए, प्रिंसिपल में ऑल यूजर लिख दीजिएगा और सिलेक्ट अ रोल में क्लाउड स्टोरेज व्यूअर में आपको जाना है। एक रोल आप करेंगे उसमें नीचे क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, क्लाउड स्टोरेज में भी आपको व्यूअर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं डेमो में दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा। ये करने के बाद आप सेव कर दें, आपके सारे ऑब्जेक्ट पब्लिक हो चुके हैं अब, यानी कोई भी कोई कंटेंट देख सकता है। ऐसे में सारी चीजें जब पब्लिक हो जाएंगी तो आपको प्रॉपर वेब पेज नजर आएगा जो आपको नजर आना चाहिए। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के लिए आप index.html फाइल आपको वहां पर एक नजर आ रही होगी अपने बकेट के अंदर, उसका URL कॉपी करिए और अपने क्रोम ब्राउजर में पेस्ट करिए और आप देखेंगे आपको आपकी सैंपल वेबसाइट बिल्कुल नजर आ रही होगी और वर्किंग नजर आ रही होगी। जितने भी उसमें बुलेट्स होंगे, जितने भी उसमें बटन होंगे, वो सारे बटन वर्किंग होंगे, उनका कंटेंट विजिबल होगा, पूरी वेबसाइट आपको वहां पे दिख रही होगी। आई होप यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आज की लैब में हम क्या करने वाले हैं। अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलते हैं सीधा लैब पे और इसे करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर और अब सबसे पहले हम चलते हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ पे देखो, मैं इस समय टेक्निकल गुफ्तगू नाम के, ये मेरे प्रोजेक्ट नेम है और ये इसकी प्रोजेक्ट आईडी है, इसके अंदर हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में जाता हूँ और पहले एक बकेट बना लेता हूँ ताकि हम अपनी वेबसाइट जो है उसमें होस्ट कर सकें। तो ये सारा काम मैं CLI से भी कर सकता हूँ बट कुछ काम मैं यहाँ से कर लेता हूँ, एक ही बात है। ऑल्दो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे CLI से बना सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बकेट का नाम ले लें लेकिन यूनिक होना चाहिए। कंटिन्यू करें और चले मल्टी रीजन में इसको बना लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं। सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ये कह रहा है एनफोर्स पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन ऑन दिस बकेट। मैं कहता हूँ कि चले इसको पब्लिक हटा दें इस पर, तो इसको कन्फर्म कर दें। तो ये मेरी बकेट क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्रिएट होने के बाद अब मैं अपना क्लाउड शेल ओपन करता हूँ। तो ये मेरा क्लाउड शेल ओपन हो चुका है गाइज, आप देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है html5webtemplates.co.uk, इस वेबसाइट से
मैं जो है मेरे पास सैम्पल वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा मेरे लिए सैम्पल वेब पेज टेस्ट करना, बहुत इजी है। तो यहाँ पे जाके इन्होंने बहुत सारे सैम्पल पेज दिए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सैम्पल पेज जो है इसके डाउनलोड सिंपल स्टाइल बैनर, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस मैं करता हूँ। तो इस लिंक को कॉपी करके मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए डब्ल्यू गेट कमांड होती है ताकि ये मेरे क्लाउड शेल के थ्रू मेरी इस लोकल मशीन पे डाउनलोड हो जाए। तो मैं डब्ल्यू गेट करके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट का बटन दबाऊँगा। तो देखें ये लिंक यहाँ पे आ गया, बस एंटर करना है और ये देखें जी ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये 100% डाउनलोड हो चुकी है। एक जिप फाइल है, मैं एलएस करके देख लेता हूँ क्या ये जिप फाइल मुझे नज़र आ रही है। जी हाँ ये जिप फाइल मुझे नज़र आ रही है, सिंपल स्टाइल अंडरस्कोर बैनर डॉट जिप करके। तो मुझे इसे अनजिप भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अनजिप करने के लिए ऐसा करते हैं, पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं MKDIR वेबसाइट के नाम से, उसके अंदर सारा काम करेंगे। तो पहले एक वेबसाइट के नाम से डायरेक्टरी बना लेते हैं और अब हम क्या करते हैं इसके अंदर इसे मूव करा देते हैं। ये जो हमारी फाइल है ना इसको हम मूव कर देते हैं इसके अंदर, हमारा जो ये डायरेक्टरी हमने बनाई है वेबसाइट। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद ये सोर्स हो गया मेरा और डेस्टिनेशन मेरा क्या हो जाएगा, वेबसाइट जहाँ पे मुझे इसे मूव कराना है। तो मैं इसे वेबसाइट के अंदर इस फाइल को मूव कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे ना वेबसाइट के अंदर आपको ये नज़र आएगा, मैं दिखाता हूँ। आप एक काम करो अपनी डायरेक्टरी में आ जाओ, आप एलएस करो, तो अभी आपको वेबसाइट नाम की डायरेक्टरी नज़र आ रही है, आप इसके अंदर आ जाओ। वेबसाइट आ गए, अब एलएस करो, आ रही ना नज़र, तो ये मूव हो गई एक्चुअली, ये इसके अंदर आ गई। ठीक है, कॉपी पेस्ट होता है बेसिकली मूव का मतलब, तो ऑलरेडी वहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे, सॉरी ये कॉपी पेस्ट हुआ है, कट पेस्ट हुआ है, कट पेस्ट हुआ है ना, तो चले वो जो भी है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने, है ना। तो यहाँ पे ये मैं आ गया और इसके बाद अब हमने क्या करना है, अनजिप करना है इस फाइल को, है ना। तो आप अनजिप करें, अनजिप कमांड चलाएं और उसके बाद इस फाइल का नाम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये नाम आ गया, एंटर करें, ये देखो ये सारी फाइलें अनजिप हो गई, अनजिप हो गई। अब अनजिप होने के बाद आपने क्या करना है, आप चाहे तो एलएस करके देखें। देखो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल फाइल भी नज़र आ रही है, एक जिप फाइल नज़र आ रही है, एक नॉर्मल नज़र आ रही है। तो ये फाइल नहीं है, बेसिकली फोल्डर है। तो इसके अंदर चलते हैं सीडी और उसके बाद इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं। तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा, आ गया अंदर। अब एलएस करके देखें, बहुत सारी फाइलें नज़र आएंगी। ये देखें अनदर पेज डॉट एस टी एम एल, कॉन्टेक्ट डॉट एस टी एम एल, एग्जाम्पल्स डॉट एस टी एम एल, इंडेक्स डॉट एस टी एम एल। तो आपको बहुत सारी फाइलें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो चलें बहुत अच्छी बात है। दोबारा बाहर आते हैं, थोड़ा सा सी डी स्पेस दे के डबल डॉट लगाएं, बाहर आ जाएं। अब ये मैं बाहर आ गया। अब आप एक काम करें, आप यहाँ पे ये जो डेटा मेरे को नज़र आ रहा है, ये जो सारी फाइलें मुझे नज़र आ रही हैं, ये सारी फाइलें मैं अपनी बकेट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक कमांड चलाऊँगा GS यूटिल और एक साथ ये सारी फाइलें कॉपी हो जाएं, इसके लिए -m मैं लगा दूंगा और CP से कॉपी करूँगा रिकर्सिवली ताकि एक साथ हो जाए। -m मल्टी थ्रेडिंग के लिए होता है बेसिकली, तो ये फिर एक एक करके सबको कर देगा कॉपी। और यहाँ पे मुझे कॉपी किस फाइल से करना है, इससे करना है, इसका कंटेंट करना है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे डालूंगा और कहाँ पे करना है, मुझे मेरी बकेट में करना है। तो मेरी बकेट का नाम मुझे देना पड़ेगा, मेरी बकेट का नाम क्या है मैं देख लेता हूँ, बकेट 5543 आपको नज़र आ रही है, तो बकेट 5543 ये मेरा बकेट का नाम है। तो मैं इसके अंदर इसको कर देता हूँ, एंटर करते हैं, ऑथराइज करने के लिए कहेगा, ऑथराइज कर दें। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, कॉपी हो गई है फाइल। अब मैं अगर जाकर यहाँ अपनी बकेट के अंदर देखूँ तो मुझे ये सारी फाइलें नज़र आएंगी। सी सिंपल स्टाइल बैनर मुझे नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये सारी फाइलें मुझे नज़र आ रही हैं। तो यही मैं चाहता था बेसिकली कि भाई मुझे सारी फाइलें नज़र आएँ, हैं कि नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन फाइलों को यहाँ क्लाउड शेल की हेल्प से भी इनकी परमिशन चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं देखो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को ये इंडेक्स डॉट एस टी एम एल पे जाना है
और इसका जो लिंक है, अभी ये लिंक पब्लिक नहीं है बेसिकली, तो अभी खैर मुझे तो नज़र आएगा क्योंकि मैं ऑथेंटिक यूज़र हूँ, बट मुझे भी ढंग से नज़र नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा नज़र आ रहा है, जबकि मुझे नज़र कैसा आना चाहिए, कुछ इस तरीके का नज़र आना चाहिए जो मेरे यहाँ पे इस टैम्पलेट में नज़र आ रहा है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनकी परमिशंस को पब्लिक करना पड़ेगा ताकि हम इसको ईजिली देख सकें। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन सारी फाइलों को पब्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर इन्हें सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद परमिशंस में जाता हूँ और यहाँ पे एक रोल दे देता हूँ इसको ऐड में कि भैया ऑल यूज़र्स, ये रहा, और इनको रोल देता हूँ कि भाई क्लाउड स्टोरेज को ये रीड कर सके या एक्सेस कर सके, है ना। तो मैं ये स्टोरेज में आके स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर इस पर क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, तो अभी क्या होगा, अलाउ पब्लिक एक्सेस, अब हर कोई एक्सेस कर सकता है। अभी आपको सारा डेटा प्रॉपर वैसा ही नज़र आएगा, देखिएगा। नज़र नहीं आ रहा, चलें दोबारा ट्राई करते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर आइए, यहाँ पे index.html में आइए और इसको यहाँ पे आई थिंक ये पब्लिक होना चाहिए, जस्ट अ मिनट, रिफ्रेश करते हैं, यस नाउ इट्स पब्लिक। तो ये यहाँ पे कॉपी URL करें और अभी मैं अगर इसको ओपन करूँ, परफेक्ट है जी, सेम वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, सेम वेब पेज नज़र आ रहा है। अब इनमें चेंजेस करने हैं, कुछ करना है, तो ये यहाँ डिटेल पड़ी है, आप इसके अंदर जाओ, इस फाइल के अंदर एडिट कर दो, इमेजेस को चेंज कर दो, तो आपको वही इमेज नज़र आ जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना वेब पेज बना सकते हैं। फिलहाल मुझे जो डोमेन नज़र आ रहा है वो storage.googleapis.com नज़र आ रहा है, ये फ्री होता है, आप अपनी वेबसाइट जो अगर स्टोरेज पे चला रहे हैं तो फ्री यहाँ पे चला सकते हैं, 5 GB का आपको फ्री स्टोरेज मिलता है गूगल की तरफ से पर मंथ, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर अपना डोमेन लगाना चाहते हैं जैसे www.technicalguftgu.in, तो उसके लिए वो डोमेन आपको यहाँ पे DNS में जाके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, CNAME रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा, तो वो काम भी हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए उतना काफ़ी है, आप इतना भी सीख सकते हैं कि भाई कैसे हम जो है एक स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं अपनी स्टोरेज के ऊपर। सारी वेबसाइट देखो, पूरी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, आप एग्जाम्पल पर जाओगे, एग्जाम्पल दिख रहे हैं, है ना, आप ए पेज पर जा रहे हो, अनदर पेज पर जा रहे हो, सारे पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ योर एग्जैक्ट वेबसाइट, आप अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट बहुत ईजिली होस्ट कर सकते हो गूगल क्लाउड के ऊपर, और यहाँ से फिर आप उसको लिंक को भी चेंज कर सकते हो, DNS अपना मैप कर सकते हो उसके ऊपर, जो भी डोमेन है आपका, और कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी मैं फ्यूचर में लेकर आऊँगा, नो नीड टू वरी। तो आई होप आपको लैब समझ आ गई होगी, तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब अच्छे से समझ आ गई होगी और ये डेमो भी आपने करके देख लिया होगा, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप मुझे टैग करिएगा, लिंक्डइन पे मैं भूपिंदर राजपूत के नाम से अवेलेबल हूँ, वहां पर जरूर मेरे साथ कनेक्ट हुई है। मेरा फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल के नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि जितने भी आपके डाउट होते हैं, कई बार लैब करते हुए आप सक्सेसफुली नहीं कर पाते, एरर आ रहा होता है, वो आप उस ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं और हमारे जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं एक्टिवली उनका रिस्पांस देते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, जिन्होंने भी उसको किया होता है वो उसका सॉल्यूशन आपको बताने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूं, मैं सारी जगह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पर भी मैं अवेलेबल हूं, और सारे लिंक आपको मेरे चैनल में ही मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक अवेलेबल होंगे। इवन आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि हमें डोनेट कैसे करना है, अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो पेपाल के थ्रू कर सकते हैं, इंडिया में है तो गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, कोई इशू है तो हमें मेल आईडी पे अपना इशू भी बता सकते हैं। चलिए बात को अब किसी एज यूजुअल शेयर के साथ खत्म करते हैं, और आज मुझे जो शेर याद आ रहा है वो मैं कहीं इंस्टाग्राम पे, एक शायर है, मैं नाम माफ़ी चाहूँगा, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा, बट ये बड़े अच्छे शायर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे मिजाज में एक शेर कहा था कि इस कदर बेखबर चला जाए पाँव रह जाए सर चला जाए, वो जो बैठा है मेरी राहों में उससे कह दो कि घर चला जाए, या तो मेरा रहे वो 100% या मुझे छोड़ के चला जाए,
तो ये मुझे अभी मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम पे सुना था, बड़ा अच्छा लगा, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बस यार, अपनी दुआएं, अपनी मोहब्बत ऐसे टेक्निकल गुफ्तगू के साथ बनाए रखें, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।